तो दोस्तों ये तो सुरंग सी है। तो दोस्तों कितनी पुरानी सुरंग सी भाइयों, बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ेगा हमें। ये सीढ़ियां भी जबी की है, जबी की है दोस्तों। देखो भैया बता रहे हैं कि जबी की सीढ़ियां है, ऊपर से आने का रास्ता है जी, देख लो उधर से आए हम। और राजा का गुप्त रास्ता था, रास्ता था। तो कहां है भैया वो सुरंग? देखो दोस्तों इधर भी एक छोटा सा गेट है जी, ये वाला है ये हस्तनापुर तक जाता था जी, हस्तनापुर। तो किसान भाइयों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। तो किसान भाइयों आज हम पहुंचे एक ऐसी विरासत पे जो राजा नैन सिंह जी की है। तो नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका किसान योद्धा चैनल। नाम जाना चाहूंगा, शुभ नाम? हर्ष चाल, मेरा हर्ष चाल नाम है। अच्छा, पिताजी का नाम भैया? अजय कुमार। थोड़ा सा ये बताइए लगभग कितनी पुरानी रही होगी ये जो, ये साल पुरानी है कम से कम, तो ढाई साल पुरानी, मतलब साल पुरानी। अच्छा, तो ये राजा नैन सिंह जी थी हैं? जी जी। अच्छा, तो उस जमाने में तो इनके पास सब चीजें होती होगी, मतलब घोड़े से लेके घोड़े रथ, अच्छा तलवार, मतलब सार, मतलब टोटल सामान। अच्छा, दरबार लगते होंगे यहाँ पे उस टाइम पे। अच्छा, बहुत बड़ा है ये फिलहाल। अच्छा, जैसे पिक्चर में हो गया भैया ना, जैसे पिक्चरों में होता है इस टाइप का है। अच्छा, तो इसमें आप बता रहे गुफा भी हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, है ना? जी जी, गुफा भी है इसके अंदर। अच्छा, तो देख सकते दोस्तों हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा अंदर से, और ये हमारे साथ में हमारा भाई, ठीक है जी, और इसने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए शुक्रिया दिल से दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं जो ये किवाड़ वगैरह है, ये किवाड़ उसी जमाने के हैं? ये बहुत साल पुराने किवाड़ है। अच्छा, उसी समय किवाड़ है। तो ये तो बहुत मजबूत लग रहे आज भी, मतलब जो के तू थे। अच्छा, देखो भाई कितने मजबूत का बल था इसमें, हैं? सो हत्यों का जी जी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, देखो भाई कितना मजबूत किवाड़ है, हिल भी नहीं रहा, ठीक है जी किसान भाइयों। तो ये देखो भाई, ये इधर से देख लो कितना मजबूत किवाड़ है, देखो आज भी जो का तू खड़ा भाई। और इधर ये मोगले वगैरह ये किस वजह के लिए, मतलब सामान वगैरह रखने के लिए? भैया बस ये अपनी फैसिलिटी के लिए रखते थे। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? तहखाना होगा कुछ, है ना? तहखाना है जी। अच्छा, तहखाना, देखो दोस्तों इधर साइड में तहखाना बना हुआ है, ठीक है। और कमरे की बात करूँ तो लगभग कितने कमरे रहे होंगे इसके अंदर? इसमें कम से कम 10-15-20 कमरे तो कम से कम होंगे। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये हवेली का अंदर से लुक है जी। और यहाँ पे ये सैनिक बैठा करते होंगे भैया? जी जी, सैनिक अच्छा। बैठा था। देखो दोस्तों सैनिक बैठा करते थे यहाँ पे, मतलब अपने भल्ले वगैरह लेके हैं यहाँ पे, वो होता था। अच्छा, राजा के दरबार लगते होंगे उस टाइम? दरबार लगता था राजा। अच्छा, राजा वहाँ पे बैठते होंगे ना, उधर से बैठते थे। अच्छा, यहाँ पे मतलब बैठा करते थे जिसका फैसला होता था ना। जी जी। तो देख सकते दोस्तों कितनी आलीशान है ये, देखो दोस्तों ये भी बाहर के कारीगरों ने बनाया हुआ डिजाइन, जैसे ऊपर देख रहा हूँ मैं इस पे, ये है ना भैया? जी जी, ये बहुत पुराना है। अच्छा, ये देखो दोस्तों कितना पुराना है। और ये कमरा क्या चीज रहा हुआ ये यहाँ पे? रसोई थी। अच्छा, रसोई थी। अच्छा, एक इसमें शीशा भी है, ये जब गई है? तो ये जो शीशा भी मतलब जब का दिखा है बहुत साल पुराना है। अच्छा, जब का यो दोस्तों आज भी ऐसा कैसे, ये शीशा देखो भाई, राजा महाराजा में ऐसे शीशे यूज हुआ करते थे। अब तो 200 साल पुराना है ये दोस्तों, 250 साल पुराना शीशा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये कहाँ से आयो, नीचे जा रही है सुरंग से? तहखाना था, ये भी बंद कर रखा है। देखो भाई इधर तहखाना था, वो इधर से देख लो भाई, ये देख सकते हैं इधर ये सामान रखने के लिए है भैया। ये सामान रखने के लिए दोस्तों, ये सामान रखने के लिए बनवाए जाते थे उस समय काल में, ठीक है जी। उस समय में राजाओं के दरबार लगा करते थे, और मतलब यहाँ पे सभाएं होती थी उस जमाने में राजा नैन सिंह जी के, ठीक है जी। और राजा नैन सिंह जी इधर बैठा करते थे ना भैया? जी जी। अच्छा, तो देख सकते दोस्तों ऊपर से भी दिखाएंगे भैया हमारे साथ में, और हम आपको हर चीज नई तरीके से दिखाते हैं। देखो दोस्तों कितना बेहतरीन लुक है जी यहाँ से, ये देखो भाई, ये तो मतलब ये भी इस पे रंग वगैरह ये बहुत ही पुराना है, ये भी बहुत पुराना हो रहा है। देखो दोस्तों कितना पुराना रंग हो। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ पुराने सामान पड़ा है ये। अच्छा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या ये कमरा हुआ करता होगा ना, कमरा है ये भी। देखो दोस्तों कितना बेहतरीन है जी लोग, आज भी जो कुछ हुआ है ये लैंटर से कह बोल रहे डाट का, डाट का लैंटर है जी ये भी। तो दोस्तों डाट का लैंटर है कभी पहला ही, ठीक है जी। और ये देखो स्ट्रक्चर देखो भाई, ये इधर से ये और ये इधर से देखो भाई, कितना बेहतरीन लुक है जी महल का। और ये महल है, ठीक है जी, राजा नैन सिंह जी का महल है भैया। जी जी, राजा नैन सिंह। देखो दोस्तों इधर से देख लो भाई, इधर से देखो भाई, ये क्या चीज है भैया, ये मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पे बैठते थे क्या राजा नैन सिंह, है ना? यहाँ पे उनकी मतलब सिंहासन लगता होगा ना? सिंहासन था ये दोस्तों, यहाँ पे भैया बता रहे हैं सिंहासन लगा करता होगा उस जमाने में। देखो भाई यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे मतलब चटाई वगैरह बिछी होती है जमाने में, ठीक है जी, प्रोग्राम भी हो जाता था इधर। अच्छा, तो अब तो देख सकते दोस्तों यहाँ से पूरा, वहां पे मतलब जिसको मतलब वो सभा होती थी, जिसको फैसला होता है वो वहां पे बैठता था, है उधर है इधर सैनिक खड़े हुआ करते होंगे ना, इधर इधर इधर। देखो दोस्तों इधर साइड में सैनिक खड़े हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है जी। देखो दोस्तों, और आज हमें एक ऐसी विरासत में है जिसमें जिसका इतिहास रहा है, ठीक है जी।
और इधर से देख सकते दोस्तों यहाँ भी ये क्या चीज हुआ करती है भैया, ये वॉशरूम है। अच्छा दोस्तों इधर साइड में ये वॉशरूम वगैरह हुआ करता होगा और यहाँ भी एक तहखाना, ये भी तहखाना दिखे हमें लगे, तहखाने काफी है तो उसमें तो मुझे लगा कोई पुरानी चीज भी मिल सके, इससे मिल जाए खजाना और मैं भाग जाऊं विदेश। देखो दोस्तों यहाँ तो लिगड़ सके भाई, इतने तहखाने कभी खुदाई करके देखिए कुछ लिगड़ा है इसमें, कुछ पुराना कुछ लिगड़ भी सके इसमें, भरोसा नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं उधर साइड में, इधर से चल रही भैया एक मिनट को। तो दोस्तों चलते हैं भाई के साथ में, जिन्ना है और भाई ने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भैया का, ठीक है जी। और बहुत पक्का दोस्त है मेरा भाई, तो ये जिन्ना भी भैया लगा कभी पहले ही दिखा है, बहुत पहले। देखो भाई कितना पुराना जिन्ना जी, देखो भाइयों आज भी जो होगा तो खड़ा भाइयों, देख सकते हैं आप सभी। देखो भाइयों इतनी मजबूती भैया मिलती नहीं है। अच्छा ये को आराम से जाइए भैया, कभी नीचे उठाया जाए, रहन दो आगे चलने को, ये ऐसी है, ये तालाब है। अच्छा अच्छा इधर साइड में तालाब है दोस्तों, देख सकते हैं अब ये फूट चुका है, आगे खतरा है, ठीक है जी। एक बार हम आपको इधर से दिखा दे, बस आराम आराम से आना है, कोई धंसने का खतरा है। देखो दोस्तों ये गड्ढे हो रहे हैं भाई, ऊपर चले उधर चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे ना उसमें को, चलो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, ठीक है जी। ये इधर खड़ा है और मैं आपको उधर साइड से दिखाऊंगा, क्योंकि भाइयों हम हर चीज आपको बारीकी से दिखाते हैं। रिक्स भले ही है लेकिन आपके लिए रिक्स उठाना पड़ता है भाइयों वीडियो के लिए, ठीक है जी। देखो भाइयों कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो मैं आपके लिए रिक्स उठा के जा रहा हूँ भाइयों। तो मेरा फर्ज है आपको कुछ नया दिखाना, अलग हट के दिखाना, वो मैं आपके लिए दिखाऊंगा, ठीक है जी। चाहे उसके लिए भाइयों कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ठीक है जी। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे राजा नैन सिंह जी का महल है जो कि काफी पुराना है, भैया ने इसका इतिहास भी बता दिया, ठीक है जी। इधर से जिन्ना भाई यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं, नहीं। और अच्छा अच्छा इधर से है कुछ जाने का, अच्छा है भाई जाने का। तो दोस्तों रिक्शी तो है ही है फिर भी, लेकिन जाएंगे, काफी रिक्स है इधर से। तो भाई टूटा पड़ा सारा, देखो दोस्तों ये महल है जी, ठीक है जी। और भैया उधर खड़े हैं और हम आपको दिखाएंगे, भाई तो सारा ढह गया सारा, ठीक है जी। और उस जमाने में भाइयों रौनक हुआ करती थी, थोड़ा रिक्स है भाइयों मुझे संभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो। तो भैया यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते होंगे, है भैया सैनिक खड़े होते होंगे इसमें। तो दोस्तों भैया बता रहे कि सैनिक खड़े होते थे इसमें, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से जिन्ना है जी, ठीक है जी, रिक्स उठा के आये हूँ आपके लिए, बस आपका इतना फर्ज है वीडियो को शेयर करना, ठीक है जी। ये जिन्ना जा रहा है भैया। तो दोस्तों रिक्स ही काफी है लेकिन आपके लिए रिक्स उठाना पड़ता है भाइयों, क्योंकि मैं अपने भाइयों को हर चीज जो है बारीकी से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है जी। चाहे वो रिस्की हो चाहे कुछ भी हो भाइयों, रिक्स तो उठाना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि मेहनत से ही सब चीज मिलती है, जो बड़े बुढ़ों ने कहा है, ठीक है जी। और यहां से मैं आया हूँ दोस्तों आपके लिए रिक्स उठा के, काफी रिक्स उठा के आया हूँ, ठीक है जी। इस वीडियो का टारगेट है भाई आप मिलियन में पहुंचा देना। यहाँ से पहरेदारी रखी जाती थी, ठीक है जी। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ओखले हैं, ठीक है जी। यहाँ से पूरा का पूरा जो सैनिक यहाँ पे बैठा करता था वो पूरे किले पे निगरानी रखता था, यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखो दिख रहे हैं सामने, ठीक है जी। और यहाँ से देखो भाइयों, और मैं आ चुका हूँ, ये काफी रिक्सी है लेकिन है बढ़िया, ठीक है जी, मजबूत है भाइयों, ठीक है। यहाँ से देखो, ये देखो भाइयों, डर सा तो इस वजह से है क्योंकि ये ढह भी सकता है, और रिक्सी आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि ये इतना साल पुरानी बात होली जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उधर मेरा भाई खड़ा है, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे खड़े होते थे सैनिक, पांच छह सैनिक खड़े होते हुए यहाँ। तो देखो भाई, भैया बता रहे पांच छह सैनिक यहाँ पे खड़े हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है। और देखो भाई कितना आलिशान महल है जी, यहां से देख लो भाई, ठीक है जी। ये देख सकते दोस्तों, रिक्स उठाना पड़ता है आपके लिए क्योंकि एक वीडियो में काफी मेहनत लग जाती है। यहाँ पे उनके जो सैनिक है वो खड़े हुआ करते थे यहाँ पे, देखो भाइयों एक दो तीन, तीन इधर खड़े होते थे, तीन इधर निगरानी रखते थे और तीन इधर निगरानी रखते थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हुए खड़े होके बाहर का क्या मामला, यहाँ से पूरा का पूरा ये दिख रहा है। और कभी यहाँ पे जंगल हुआ करता होगा, अब तो यहाँ पे मकान बन गए दोस्तों, लेकिन एक जमाना वो था जब यहाँ पे दूर दूर तक चमकता था, दूर दूर तक का, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे भाइयों पूरा दूर का चमक रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे देख सकते हैं, एक इधर खड़ा होता था, एक इधर खड़ा होता था सैनिक, और एक इधर खड़ा होता था, और तीन सैनिक इधर खड़े होते थे उस जमाने में, ठीक है जी। और पूरे दरबार लगते थे राजा के, ठीक है जी। ये काफी छोटी जगह है दोस्तों जहां से मैं आया हूँ, और ये ओखले जो मैं दिखा रहा हूँ आपको,
इधर भी एक ओखला बना हुआ है जो कि यहाँ पे निगरानी रखी जाती थी, पूरे यहाँ पे बैठ के देखा करते थे। देखो भाई एक ओखला है ये, तो यहाँ से पूरा का पूरा देखा करते थे कि कोई जो मतलब दुश्मन है वो आक्रमण ना कर दे, ठीक है जी। और ये आपने काफी उसमें देखा होगा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये काफी पुराना है। देखो भाइयों आज भी जो कतु ये आप देख सकते हैं, जो कि एक किले के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है जी। यहां से मैं आया हूं, ठीक है भाइयों। और ये देखो भाइयों कितने छोटे छोटे ओखले हैं, ठीक है जी। यहां से पूरे के पूरी निगरानी रखी जाती थी उस जमाने में, ठीक है भाइयों। यहां से देखो भाइयों कितना छोटा सा ये ओखला है भाइयों, और यहां से पूरा व्यू चमक रहा है भाइयों, यहां से देखो भाइयों, ठीक है जी। और ये देखो मैंने आपको दिखाया, काफी रिक्सी है, निड़ के जाना पड़ रहा है मुझे, देखो इतनी छोटी जगह है भाइयों, ठीक है जी। और ये लकड़ी है दोस्तों, ये वाली लकड़ी अभी तक खराब नहीं हुई है, लेकिन ऊपर की जो लकड़ी है थोड़ी थोड़ी खराब हो चुकी है, ठीक है जी। यहां से चलते हैं अब, ठीक है भाइयों। और काफी मेहनत लगी, ये देखो सीटें कितनी छोटी छोटी है भाइयों, ठीक है जी। और हमें आपको दिखाया, और इधर भी मोहकले बनाए हुए हैं, इसमें वे अपने सामान रखा करते थे, ठीक है जी, जो सैनिक है। और यहां से निगरानी रखी जाती थी पूरी की पूरी, ठीक है जी। देखो दोस्तों वहां से ट्रैक्टर जा रहा है, पूरा पूरा साफ दिख रहा है आपको, ठीक है जी। ये देखो दोस्तों, और काफी मेहनत लग जाती है, ठीक है जी, एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये धस भी सकता है, ठीक है जी, ये आज की बात नहीं है, ये कई साल पुरानी बातें हैं, ठीक है जी। और यहां से देखो भाइयों एक मोखला है, ठीक है जी। तो किसान भाइयों वो भाई हमारा, ठीक है जी, उसने बताया इसका इतिहास। अब चलते हैं उधर साइड में, और एक ये रहा मोखला भाइयों, ये यहां से देखो भाइयों, इधर से देखो दोस्तों, यहां से भी ये मतलब तीर चलाने के लिए ये मोखला हुआ करता होगा उस जमाने में, ठीक है जी। देखो दोस्तों कितनी बेहतरीन तरीके का ये किला है, और ऊपर भी मोखले हैं दोस्तों, यहां भी है और उधर साइड भी मोखले हैं, ठीक है जी। और अब मैंने आपको ये महल दिखाया पूरा कवरेज करके, ठीक है जी। अब उधर साइड चलते हैं, ठीक है भाइयों। आपका यस चाहल। अच्छा अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके बड़े भैया? हाँ बड़े। अच्छा अच्छा, तो चलते हैं भाई के साथ। तो बहुत समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मोहगले हैं ये काफी पुराने हैं, ठीक है। ये भैया ये मोहगले देख रहा हूँ मैं, ये किस चीज के लिए होते थे? यहाँ पे निगरानी रखने के लिए होते थे ना, रखने के लिए, निगरानी वगैरह। दोस्तों कितना बेहतरीन मोहगला जी, सब पूरा चमक रहा जी, देख लो भाई पर तक का देख लो, यहाँ खड़े हो जाते होंगे सैनिक उस जमाने में। जी जी, यहाँ पे खड़े होते थे और यहाँ से पूरी निगरानी रखते थे, कौन आ रहा कौन रखते थे कि कोई आना जाए हमला ना करते। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे खड़े करते थे ना। जी जी, देखो दोस्तों ये लकड़ी मतलब आज भी मजबूत है भैया, देखो जी मजबूत है बहुत। अच्छा अच्छा, साल पुरानी है। तो दोस्तों काफी साल पुरानी है भैया, इसका मेंटेनेंस क्यों कराया फिर? बस भाई कराया, जान के नहीं कराया। अच्छा अच्छा, पैसा लगता है ना काफी। आ जाइए भैया एक बार इधर को आ जाइए, क्या चीज है? इधर भी मैंने देखा था एक चीज, ये क्या चीज है? यहाँ भी निगरानी रखी जाती थी क्या? जी यहाँ पे भी निगरानी रखी। तो दोस्तों एक मोहकला ये रहा, ढह ना जाइए, ढह तो ना जाए। अच्छा अच्छा, मजबूत है। तो दोस्तों रिक्सी तो है ही है दोस्तों, निगरानी रखने के लिए ये रहा मोहकला। और देखो ये क्या, यहाँ पे बैठते थे क्या सैनिक? यहाँ पे बैठते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रास्ता था ये भी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दो सैनिक हुआ करते होंगे भैया ना? जी यहाँ पे दो सैनिक होते। तो दोस्तों दो सैनिक बता रहे भैया उस जमाने में, ठीक है, निगरानी रखने के लिए, ठीक है भैया। और भैया ने हमारे लिए समय निकाला, और ठीक है जी, ये जो मैं मंदिर देख रहा हूँ ये मंदिर उसी जमाने का है, काफी टाइम पुराना है लेकिन। अच्छा, यहाँ पे पूजा अर्चना करते होंगे वे राजा नारायण सिंह जी के, जो यहाँ पे राजा नारायण सिंह पूजा अर्चना करते। दोस्तों इधर साइड में प्राचीन मंदिर है जो कि मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, ये महल के जमाने का है, और उस जमाने में यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे, ठीक है जी दोस्तों। और ये है देख सकते हैं भाइयों, तो चलते इधर से आइए भैया एक मिनट। तो ये यहाँ भी सैनिक खड़े हुआ करते होंगे? जी यहाँ पे भी सैनिक खड़े होते थे। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो गए दिखाई भैया, जाइए एक मिनट को बेटा, आप जाओ, चले जाओ, ये चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये भाई खड़ा हो गया, ठीक है जी, और यहाँ से देख रहा हो भैया पूरा पूरा दिख रहा? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ से निगरानी रखते होंगे पूरे उस पे। तो दोस्तों जैसे भैया चढ़ के गया इधर से सीढ़ी पे, ठीक है जी, और यहाँ से पूरे के पूरे देखते थे कि मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ से ये किला है पूरा पूरा, ठीक है जी भाइयों, और हमने आपको दिखाया, ठीक है जी, बारीकी से। तो आ जाइए भैया एक बार उधर को चलते हैं, ठीक है जी भाइयों। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी, किसान योद्धा पे, ठीक है भैया। ये भैया ये भी मतलब सुरक्षा के उससे बनाए जाते थे ये मोहकले? जी जी, सुरक्षा के। देखो भाइयों और पार चमक रहा भैया इसमें। अच्छा, तीर वगैरह चलाने के लिए ना? तीर तीर। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ से देख लो भाइयों, पूरा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो भाइयों ऊपर से दिखाएंगे, चलते हैं ऊपर की साइड। तो चलो भैया चलो आप, तो भैया मेरी गैल में है, तो चलते हैं भाइयों भैया के साथ में, और एक बार आपको ऊपर से दिखाएंगे, ठीक है जी। ये देखो भाइयों कितना बेहतरीन है जी, तो कई साल तक अभी और भी जोखो नहीं भैया इसमें तो है जी। अच्छा अच्छा, जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ये क्या हुआ करता होगा इसमें? अब तो पहले तो उस जमाने में तो सोने के वे होते होंगे इसमें ना, सोने के कलश। अच्छा अच्छा,
तो दोस्तों उस जमाने में सोने के कलश हुआ करते थे। इसमें दिखा दूं मैं, ऐसा पिक्चर में दिखा भैया, मैंने गोरा और काला में ऐसे महल खड़ा हो सेम टू सेम, तो उसी स्ट्रक्चर में है। तो भैया दोस्तों ऊपर ये देख रहे हैं आप, इसमें सोने के कलश हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है जी। और ये देखो भाई आज भी मजबूती है। तो ये तो राजा नारायण सिंह जी के जो बाहर के जो कारीगर हो गए उन्होंने बनवाया भैया, उन्होंने बनाया था ये। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों हमने आपको पूरा कवरेज करके दिखाया। देखो भाई महल, इसे कहते हैं भाई महल खड़ा। तो लगभग जगह की बात करूं तो लगभग कितनी जगह में होगा, 5-6 बीघे में? जी जी 5-6 बीघे में दोस्तों, 5-6 बीघे जमीन में ये महल है जी पूरा का पूरा, ठीक है भाइयों। और उधर साइड में मंदिर है भाइयों, देख सकते हैं आप सभी दोस्तों। तो ये उनके वारिस है भैया, आज भी है ये उधर साइड में। जी जी, तो दोस्तों राजा नारायण सिंह जी के वारिस है, ठीक है जी। और किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर करना। मतलब भाई मैं ये छोटे छोटे आले देख रहा हूँ, ये किले के चारों तरफ है, ये मतलब क्यों होते हैं? मतलब ये तीर चलाने के लिए होते थे, मतलब हमला करने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते होंगे, खड़े होते थे और। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, ठीक है जी। देखो भाई आर पार चमकराज के, देखो वो चमकराज आर पार, ठीक है जी। यहाँ से निगरानी रखते होंगे पूरे उस पे? जी जी निगरानी रखते थे दोस्तों, निगरानी रखी जाती थी उस जमाने में, ठीक है जी। और ये हमने आपको पूरा कवरेज करके दिखाया महल, ठीक है जी। और ये महल आपको बेहद पसंद आया होगा, वीडियो शेयर कर दियो भाइयों, मिलते हैं किसी नहीं हो। ये उस जमाने में था यहाँ पे एक कमरा जो कि अब धस चुका है, जो गिर चुका है, ढह चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे भी मोहकले हैं, देखो उधर साइड में मोहकले हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे भी सैनिक खड़े हुआ करते होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत मेहनत लग जाती है आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है भाइयों। बहुत रिस्की काम है किलों में घूमना, ठीक है जी। और मैं अपने भाइयों को हर चीज जो है नई तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है जी भाइयों। ये देखो दोस्तों अब चलते भैया, ये जो मोहकले हैं यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी। हाँ जी यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी, यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी। और ये मतलब जो इधर भी यहाँ से भी खड़े फैसिलिटी के लिए दोस्तों, देखो यहाँ से भी पूरा चमक रहा जी, कितने सारे ओखले हैं। ये लकड़ी देखो भाइयों आज भी जोगी तो है जी, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भैया ये आले आले इसमें सामान वगैरह रखने के लिए है ना, सामान रखने के लिए दोस्तों भैया ने दिखाया। और ये जिन्ना है जो कि आज भी मजबूती इतनी है भाइयों, आज भी खड़ा है, ठीक है जी। देखो जो का तो खड़ा भाइयों, और ये ऐसे मैंने देखा भाई भी, मतलब भाई जो पुरानी चीजें होती है वो ढह जाती है जल्दी, लेकिन ये जिन्ना आज भी मतलब इतना मजबूत खड़ा बहुत ही, ठीक है भाइयों। और ये भैया आप पे अब है जी हमारे पे, तो दोस्तों अब ये भैया पे है पूरा पूरा महल, ठीक है जी। तो किवाड़ है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। ये इसमें सोहातियों का बल होता था, और ये आदमियों से हिलता भी नहीं था, अगर चाहे इसमें बम मार लो कुछ भी मार लो इस पे कोई असर नहीं होता था, कुछ भी असर नहीं होता था, कुछ भी असर नहीं होता था। अच्छा मतलब इतना मजबूत किवाड़ था, मजबूत किवाड़ था। देखो भाई कितना मजबूत किवाड़ है जी, ठीक है जी। आगे में भाई आप सही कह रहे हो, ये मेरे से हिल भी नहीं रहा, ये सेफ्टी के लिए होता होगा भैया ना? जी सेफ्टी के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि किवाड़ टूटे ना से, मतलब किवाड़ टूटे ना। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देखो आज भी जो का तो खड़ा है, ये देखो भाई दोस्तों ये कारीगरी भी भैया जब क्योंकि किवाड़ा में बहुत उसी टाइम की दोस्तों, उस समय में भैया ने बताया तो हाथी वत्ती घोड़े पोड़े सब थे भैया, सभी थे, सभी मतलब जो राजा के पास होते हैं, राजा के पास होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाथी खाना भी तो इधर, वो भी दिखा सकते हो हमारे भाइयों को हाथी खाना। इसके बारे में बताइए क्या चीज है? ये हाथी खाना है। अच्छा, इसमें हाथी खड़ा हुआ करता होगा? जी जी। अच्छा अच्छा, तो दिखा सकते हो थोड़े अंदर से? तो दोस्तों दिखाएगा भैया। तो भैया ये क्या चीज है, यहाँ से भी तीर चलाए जाते थे क्या? नहीं ये तो ऐसी फैसिलिटी के लिए बनाया। अच्छा अच्छा, दोस्तों मुझे तो भैया ये ऐसी लग रहा है तीर चलाए जाते हैं उसमें से। अच्छा अच्छा, वैसी है ये। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये हाथी खड़ा हुआ करता था इसमें। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों एक महल इधर भी है, ठीक है जी, हम आपको दिखा रहे हैं। भैया बता रहे हैं कि इसमें हाथी खड़ा हुआ करता था उस जमाने में, ठीक है जी, जो कि बहुत समय पहले की बात है, आज की नहीं है, कई साल पुरानी बात है, ठीक है जी। और यहाँ पे भैया ये देख रहा हूँ मैं, यहाँ से भी सैनिक खड़े हुआ करते होंगे उस जमाने में ना। देखो दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ से फूट चुका है ऊपर, यहाँ भी सैनिक खड़े हुआ करते हुए ना ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ पे एक हाथी खड़े हुआ करते थे सारे में इसमें, तो इनके पास मतलब बड़े हिसाब था इनका भैया। दोस्तों देख सकते हैं उधर, ये भी काफी पुराना है भैया, जबकि है ना ये भी। जी ये भी जब भी का। अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों भैया ने समय निकाला हमारे लिए, और भैया ने बताया कि यहाँ पे इस गेट में हाथी खड़ा हुआ करता था, ठीक है जी। देखो भाई कितना ऊंचा जी, हाथी तो भाई खड़ा होता होगा जरूर उसमें। देखो भाइयों कितनी मोटी संकल है, देखो ये देखो भाइयों कितनी मोटी संकल, भाइयों देख लो आज तक ऐसी चीज नहीं देखी होगी आपने। देखो भाइयों मैं हर चीज आपको बारिश दिखाता हूँ, तो बहुत भारी की वाड़ा भाई जी, बहुत भारी। ये संकल भी जबी की दिखे मुझे लग रहा है जी, अभी दोस्तों जबी गया भैया बता रहे हैं। तो ये तो मतलब कोई टक्कर मार दे टूटने का नहीं किवाड़, तो कितना मजबूत किवाड़ है भाइयों, उसी जमाने का रहा, हाथी खड़ा हुआ करता था इसमें, ठीक है भाइयों। यो भी ऐसी होगा इनके से, देखो भाइयों हिल भी नहीं रहा इतना मजबूत है, देखो संकल का वो है इसमें, यो यहाँ संकल लग जा भाइयों, ठीक है। देखो भाई उस जमाने में कितनी मजबूती हुआ करती, देखो कितनी मजबूत संकल है भाइयों,
ठीक है भाइयों, हमने आपको पूरा महल कवरेज करके दिखा राजा नारायण सिंह जी का, और यहाँ पे घोड़े बैल और हाथी खड़े हुआ करते थे, ठीक है जी दोस्तों। तो यहाँ पे ऊपर तीन सैनिक खड़े होकर करते होंगे ना निगरानी रखने के लिए। अच्छा अच्छा, तो काफी उनका इतिहास के उसमें भी नाम रहा है, इतिहास के पन्नों में नाम रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतिहास के पन्नों में काफी योगदान है उनका भैया। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों राजा थे दोस्तों वे, और हमने आपको दिखाया ये हाथी करना है, ठीक है जी। यहाँ पे हाथी खड़े हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है जी। देखो भाइयों, आज भी जो होगा तो खड़ा भाइयों। देखो भाइयों, ये महल का ये एक हिस्सा है, ठीक है जी, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से महल दिखाया। और ये भाई का मतलब ये किस पे है भैया, ये आपके परिवार वालों पे? जी जी परिवार वालों। दोस्तों कितना बेहतरीन है, और हाथी यहाँ पे खड़ा हो जाता है इधर है जी। इधर हाथी खड़े की हाथी खाना है, ये हाथी आते थे। अच्छा अच्छा, इधर हाथी आते थे हैं। तो भैया बता रहे कि इधर हाथी आते थे उस जमाने में, ठीक है भाइयों। और भैया से मिलके हमें काफी अच्छा लगा। तो भाई देख सकते हैं ये रानी की हवेली है, भैया बता रहे रानी की हवेली है पहले थे। दोस्तों ये रानी का महल है, थोड़ा सा इधर से दिखा दूं। तो भैया ये गेट तो कभी पुराना ही होगा, ये भी है ना जी पुराना। दोस्तों कितना बेहतरीन है जी, और यहाँ पे भी सैनिक खड़े हुआ करते थे उस जमाने में ना जी। दोस्तों इधर साइड भी सैनिक खड़े हुआ करते थे, और थोड़ा सा एक बार इधर से दिखा दूं मैं आपको। ये देखो दोस्तों कितना बेहतरीन महल है जी रानी का, ठीक है जी। ये उनके वंशज है भैया, है ना उनके वंशज है। दोस्तों ये है जी रानी का महल, ठीक है जी। और ये भैया मेरी गैल में, इन्होंने समय निकाला उसके लिए शुक्रिया अदा भैया का बहुत बहुत, ठीक है जी। और तो इसमें आप रहते हो भैया, आप भी बाहर ही रहते होंगे भैया ना? हाँ जी। अच्छा देखो भाई, और महल चमक रहा है ऐसे साफ साफ, ठीक है जी, दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है भाइयों। एक ये रहा, ये उनके वारिस के हैं, आज भी है, ठीक है, राजा नारायण सिंह जी के वारिस है, ठीक है भाइयों। ये देखो दोस्तों, ये देख सकते हैं उधर अंकल जी है, और इधर देखो भाइयों ये महल है जो कि मैंने आपको दिखाया। एक बार और दिखा दूँ इधर से आपको, ठीक है भैया। वो दिखाओ जो आपके यहाँ वो तय करना, वो दिखा दोगे मुझे? तो दोस्तों भैया दिखाएंगे भैया की यहाँ पे तय करना है। तो भैया वो तय करना कहाँ जा रहा है मतलब? हस्तनापुर। अच्छा हस्तनापुर जा रहा है जी। तो दोस्तों भैया बता रहे कि हस्तनापुर जा रहा है वो तय करना। एक बार आपको महल का इधर से व्यू दिखा दूँ बाहर से, कैसा महल है, ठीक है जी। यहाँ से एक बार व्यू मार लो भाइयों, ठीक है। ये देखो भाई कितना आलीशान महल है, आज भी जो का तो खड़ा भाइयों। और अब मुझे लगा भाई अभी कई साल तक जो खोनी है, कई साल तक भी जो खोनी है। और भैया चलते हैं भैया, वो दिखाइए जो सुरंग हस्तनापुर तक जाती थी, ठीक है जी, वो हम आपको दिखाएंगे। भैया बता रहे कि हस्तनापुर तक जाती थी, ठीक है जी। दोस्तों भैया मेरी गैल में है, ये देखो भाइयों। तो ये भी भैया हवेली का ही पोर्शन होगा ये जी, जी, तो वो नीचे है, ये नीचे है। तो दोस्तों ये तो सुरंग सी है, तो दोस्तों कितनी पुरानी सुरंग सी भाइयों, बहुत ही सावधानी के साथ जाना पड़ेगा हमें। ये सीढ़ियां भी जो भी की है, जबी की है दोस्तों। देखो भैया बता रहे हैं कि जबी की सीढ़ियां है, ऊपर से आने का रास्ता है जी, देख लो उधर से आए हम। और राजा का गुप्त गुप्त रास्ता था, ये रास्ता था ये वो सुरंग। देखो दोस्तों इधर भी एक छोटा सा गेट है जी, ये वाला है ये जी ये हस्तनापुर तक जाता था जी, हस्तनापुर। तो कभी इसके अंदर गया कोई? जी नहीं अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, कभी किसी ने जाने का सोचा हो? नहीं मुश्किल जा पाएंगे अब तो, क्योंकि उधर से बंद है। अच्छा उधर से बंद हो गया ये जी, उधर से। तो मुझे लग रहा है इसमें शायद खजाना हो, और मैं भाग जाऊंगी देश, मुझे मिल जाए खजाना। वो तो हो सके भाई, खजाना देखो इसमें खजाना नहीं है भाई, जो बहुत पुरानी बात है यार राजा महाराजा की। यो तो रास्ता था ना? अच्छा कच्चा रास्ता, बिच्छू मगरमच्छ ऐसी ऐसी चीज। अच्छा अच्छा, बिच्छू मगरमच्छ भी थे उस जमाने में? जी जी बिच्छू मगरमच्छ सांप जहरीले सांप। अच्छा रास्ते में पड़ते थे? जी जी। तो उस जमाने में कैसे जाते थे सैनिक से पार करके? जमाने में उनके पास अपने गुप्त जूते। अच्छा अच्छा, जूते वगैरह होते थे जिससे वे अपने सेफ्टी रखते थे। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों वे अपना मतलब सेफ्टी के साथ जाते थे, भल्ले वगैरह लेके जाते होंगे वो तो, पूरी टोली जाती होगी उनकी इसमें को? पूरी टोली। देखो दोस्तों कितना पुराना जी, देख लो भाइयों। और भैया ने मैं आपको दिखाया, देखो भाइयों कितना ये मतलब भैया वो है मतलब खूबिया रास्ता है ना। देखो दोस्तों नीचे है बिल्कुल, यो सुरंग सी में को 10,000 सैनिक जा सकते हैं। देखो भाइयों क्या चीज है भाइयों, देखो भाइयों पता नहीं क्या चीज है भाई, इसमें खजाना जरूर मिलेगा, लिख ले तू इस चीज को, क्योंकि भाई बहुत पुरानी बात हो रही, राजा महाराजा रहे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं तो विश्वास नहीं है भाई, हो सकता है भाई पुरानी जगह ऐसी चीजें मिल जाती है भाई, रियली तू लिख ले, हो भी सका क्या पता। तो भैया हमने आपको दिखाया। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों भैया ने हमारे लिए समय निकाला, ठीक है जी, हमें सुरंग भी दिखाई जो कि इसके अंदर है एक मौजूद, आज भी हस्तनापुर तक जाती थी, ठीक है जी। और भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दियो।